नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत जैसा पड़ोसी मिलना सौभाग्य की बात, नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा। भयानक भूकंप की त्रासदी झेल रहे नेपाल के लिए जिस अभूतपूर्व तरीके से भारत ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, उससे अभिभूत होकर नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने कहा कि वह देश धन्य है जिसे भारत जैसा पड़ोसी मिला है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नेपाल में जब भी संकट आया है, भारत की ओर से ईमानदारी के साथ मदद मिली है। आपदा के समय फौरी राहत पहुंचाने पर हम भारत के एहसानमंद हैं, कोइराला ने भारत को जीवन रक्षक बताया। नेपाल भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 6,600 हुई। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 6,500 से ज्यादा हो गई और करीब 14,000 अन्य घायल हो गए। नेपाल में बीते सप्ताह आए 7.9 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई है और लोग अभी ताजा झटकों की आशंका के कारण ठंडी रात में खुले में सोने को मजबूर हैं। राहत एजेंसियों का कहना है कि शक्तिशाली भूकंप की चपेट में आने से नेपाल के दूरस्थ पर्वतीय इलाके लगभग पूरी तरह तबाह हो गए हैं। सरेंडर करना चाहता था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि दाऊद सरेंडर करना चाहता था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया। यह खुलासा दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में किया है। हालांकि बाद में नीरज कुमार पलट गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी भी दावा कर चुके हैं कि 1993 के धमाकों के बाद दाऊद ने उन्हें भी फोन किया था और आत्मसमर्पण की बात कही थी। नीरज कुमार के मुताबिक दाऊद मुंबई धमाकों के 15 महीने बाद सरेंडर करना चाहता था। कुमार का कहना है कि दाऊद सरेंडर को लेकर शर्तों पर बात करता, इससे पहले ही मेरे सीनियर अफसरों ने पीछे हट जाने को कह दिया। बादल के मंत्री ने मोगा घटना को बताया कुदरत की मर्जी। बादल परिवार की ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑर्बिट की बस में सफर कर रही मां बेटी से छेड़छाड़ और लड़की की मौत के मामले में पीड़ित परिवार एक तरफ जहां इंसाफ की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पंजाब सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरजीत सिंह रखरा ने इस घटना को कुदरत की मर्जी करार दिया है। उनके शर्मनाक बयान पर पंजाब में हंगामा खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, प्रताप सिंह बाजवा और आप नेता भगवंत मान ने रखरा के इस बयान की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही पंजाब के एक और मंत्री जोगिंदर पाल ने कहा है कि यह मामला कोर्ट से बाहर निपट जाए तो अच्छा है। दूसरी ओर लड़की के रिश्तेदारों ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। रात में बॉलीवुड अभिनेत्री के कमरे में घुसा होटल कर्मचारी। बॉलीवुड अभिनेत्री खुशी मुखर्जी ने आरोप लगाया है कि उसके साथ भोपाल के एक होटल के कमरे में छेड़छाड़ की गई। एमपी नगर थाने के निरीक्षक ब्रजेश भार्गव ने बताया कि अभिनेत्री ने शिकायत में कहा है कि रात सोने के लिए जाने से पहले उसने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। करीब तड़के 2 बजे होटल का एक कर्मी कमरे में आया और गलत इरादों से उसे छुआ। अभिनेत्री यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आई है और होटल में 16 अप्रैल से ठहरी हुई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।